जय श्री कृष्णा। मान पूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठे पुलाव, जिनको हम जर्दा चावल भी कहते हैं, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो बॉल चावल लिए हैं, यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। इनको मैंने इस तरीके से पानी में भिगो दिया था, इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था, और साथ ही हम एक बड़े बर्तन में पानी उबालने के लिए रख देंगे। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि पानी उबालने के लिए रख देंगे, और हमारा पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका है कुछ इस तरीके से। जब ये इस तरीके से उबल जाए तब हम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और चावलों को पका लेंगे। चावल का जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया और ये हमने सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। तो इसके बाद अब हमें सीधा इसके अंदर इस तरीके से चम्मच चला देंगे। हमें चावल पर कोई ढक्कन नहीं लगाना है, खुले में ही पकाना है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। बिना फूड कलर के चावल का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, अगर आप केसर डालते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हम जर्दा चावल बना रहे हैं इसलिए फूड कलर हमने ऐड किया है, और सारा इसी में डालेंगे ताकि सारे चावल पर अच्छे से कोट हो जाए। और ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारे चावल जो है चिपकेंगे भी नहीं और साथ ही एकदम खुले खुले होंगे। ये मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं जो कि जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। हमें इसको 95% तक पकाना है पूरा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है चावल को। तो ये अभी तक कम्प्लीटली हुए नहीं हैं, तो थोड़ी 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 देर में हम इनको चलाते रहेंगे। और अब हमारे राइस जो है वो देखिए आप, जो कि रेडी है। मैं इस तरीके की छलनी से इसका पानी और चावल अलग कर दूंगी कुछ इस तरीके से, आप देखिए। तो इस छलनी की हेल्प से मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूंगी चावल को। तो ये इस तरीके से चावल को मैंने इसमें निकाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा खुला रख देंगे ताकि इसमें से थोड़ी हवा निकल जाए। और ये मैंने घी लिया है एक बड़ी कढ़ाई में, दो चम्मच लिया है। इसमें थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे जबकि हम जर्दा चावल बना रहे हैं। कुछ लौंग डाल दिए हैं और छोटी इलायची है। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े बादाम डाल देंगे इस तरीके से कतरन करके, और ये कुछ काजू डाल देंगे, इनको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से चावल की एक लेयर लगा दी है। और अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने पौने दो बाउल चीनी ली है, और फिर से हम चावल की एक लेयर और ऐड कर देंगे, और फिर से हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से बनाइए। मैंने यहाँ पर पौने दो कप चीनी ली है, और जैसे कि मैंने 400 ग्राम चावल लिए हैं तो मैंने पौने 400 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। बाकी ये मेज़रमेंट एकदम सही है चीनी का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी रख सकते हैं। आप इसको चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। और हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब हमने चावल ऐड किए थे उस टाइम हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो इस तरीके से हम इनको मिक्स कर देंगे। और जब भी कढ़ाई ले या फिर कोई भी बर्तन ले तो उसका तला जो है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, यानी भारी होना चाहिए। कि मैंने थोड़ा सा केसर लिया है, दूध के साथ भिगो दिया था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि जब हम तला इसका भारी लेंगे तो हमारे चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं तले पे। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा तला भारी वाला कढ़ाई ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई यूज़ में ली है, आप चाहे जो यूज़ ले सकते हैं, पतीला भी यूज़ ले सकते हैं इसकी जगह। और दो मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद उस पर हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो एकदम खुले खुले बने। और साथ ही तो अब हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारे चावल जो है वो एकदम बनकर तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं एकदम खुले खुले बने हैं, और इसका पानी भी सूख चुका है आप देख सकते हैं। तो अब आप इसे आराम से माता रानी को भोग लगा सकते हैं। बसंत पंचमी के लिए स्पेशल बनाए हैं, इस दिन ये चावल बनाए जाते हैं और उनको भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो इस तरीके से आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।